दोस्तों, अगर आप पैसे को लेकर परेशान हैं लाइफ में और आपको अर्निंग नहीं हो रही है, तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा कि आप अर्निंग घर बैठे कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ स्टाइल को भी चेंज कर सकती है। आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। ज़रा भी आप कहीं पे गलती किए, किसी भी स्टेप को कंप्लीट नहीं कर पाए, तो आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं होगा और आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे अर्निंग के लिए। हमारी कही हुई बातों को गौर से सुनिएगा और हमारे दिखाए हुए दृश्य को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहला हम आपको बता रहे हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म में अर्निंग कैसे करेंगे और किस तरह से आप इस पे अर्निंग के लिए डिपॉजिट और विड्रॉल करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, मैं चालू करता हूँ और कर लीजिए सब्सक्राइब की बटन को दबा लीजिए, और किसी भी तरह की क्वायरी हो अगर आपके पास तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक लिंक दूंगा, उस लिंक से आपको सबसे पहले क्या करना है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये मैंने लिंक आपको दे दिया है https://ref.bitbns.com/178140। आपको ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल कर दिया है, मतलब ये कि वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे आप जाएंगे, ये लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन पे नहीं जाना चाहते हैं तो इस लिंक को आप देख लीजिए। ये लिंक आपको कॉपी करना है या टाइप करके अपने गूगल क्रोम में जाना है, या फिर याहू में किसी भी प्लेटफॉर्म में आप जा सकते हैं सर्च इंजन के, और वहाँ पे पेस्ट करना है, या फिर आप टाइप कर लीजिए https यहाँ पे रेशियो उसका साइन डबल /ref.bitbns.com, और उसके बाद ये पूरा लिखने के बाद आप इसको सर्च कर दीजिए। जैसे ही आप इसमें सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन ओपन होगा कुछ इस तरह से, जहाँ पे आपको क्या करना होगा, जहाँ पे आपको अपना मेल लिखना होगा। कैसे वो मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे लिख कर आएगा कि साइन इन का साइन अप का ऑप्शन आएगा आपको। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको साइन अप का ऑप्शन आएगा कुछ इस तरह से। अब आपको क्या करना है वो चीज़ आपको पूरी तरह से ध्यान से देखना है। जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो आप चीज़ अगर फुलफिल करती है, वो ऑलरेडी अगर आपके पास है, तभी आप इस पे इंटर कीजिएगा। क्या क्या ध्यान रखना है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। पहला कि आपके पास जीमेल या कोई सा मेल होना चाहिए जो आपका पर्सनली हो, कभी भी आप अगर पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप रिकवर कर सकें। तो आपको ईमेल डालना है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना है। उसके बाद पासवर्ड ऐसा डालिए कि आपको याद रहे। उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंट्री इंडिया रहेगी, आपको दिख रहा है, और इंटर द रिफल कोड में आपको डालना है 178140। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंटर रिफरल कोड में डालना है आपको 178140। जैसे ही आप इसको इंसर्ट इतना कर लेते हैं, उसके बाद आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपको आपके ईमेल पे आपको नोटिफिकेशन आएगा। जैसे कि आप अपने मेल पे जाएंगे, जैसे कि ये आपका मेल हो गया, जीमेल हो गया, जो मेल आपने डाला था स्टार्टिंग पे, तो वही मेल पे आपको यहाँ पे आपको ओटीपी आएगा, और उसी ओटीपी को वहाँ पे आपको डालना है ताकि आपका अकाउंट बन जाएगा, फिर आप साइन अप कर सकेंगे। बट कई बार ओटीपी आपके मेल पे नहीं आता है, वो केवल आपके स्पैम फोल्डर पे आता है, तो कई बार आप स्पैम में भी जाकर चेक कर लें, यहाँ पर आता है आपका ओटीपी। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अब जैसे ही आपका ये वेरीफाई हो जाता है, आप अपने ओटीपी को वेरीफाई कर देते हैं, मतलब साइन अप कर देते हैं, उसके बाद आपका काम रहेगा कि अब आपको क्या करना है। अब आगे बढ़ने के लिए आपको जैसे ही ये आपने साइन अप कर लिया, उसके बाद अब आपका काम क्या है वो हम अब बता रहे हैं।
बट इतना स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। अगर आप यहाँ तक कोई गलती किए होंगे अभी तक, तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। फिर अब चलते हैं आगे कि जो आपको करना क्या है। जैसे ही आपका साइन अप हो जाता है, फिर आपको यहाँ पर से लेना देना खत्म। आपको यहाँ पे मिनिमाइज, यहाँ पे आप इसको अपना टैब को बंद कर सकते हैं क्योंकि आपके पास लॉगिन पासवर्ड क्रिएट हो गया। अब आपको चलना है अपने प्ले स्टोर पे। उसके बाद आप देखिए, आपका ये है प्ले स्टोर। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्ले स्टोर में जाने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे BitBNS। ये आप देख पा रहे हैं BitBNS। जैसे ही आप BitBNS में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एंड्रॉयड एप्लीकेशन दिखेगा पहले नंबर पे, ये देखिए। इसी को आपको इंस्टॉल करना है क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद तो ये ओपन हो जाएगा और वहाँ पे आपसे साइन इन और साइन अप का ऑप्शन पूछेगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी साइन अप करके रखा है, बट आपको साइन अप करना पड़ेगा, साइन इन करना पड़ेगा। अब उसके बाद साइन इन करने के लिए वहाँ पे कैसा होगा, आपको लॉगिन डालना है, मतलब आपका मेल डालना है ईमेल में। कई बार क्या होता है, कई बार फ़ोन नंबर पूछता है, बट आपने अकाउंट ईमेल से बनाया है तो ईमेल डालिए। देन उसके बाद ईमेल डालने के बाद अपना पासवर्ड डालिए, उसके बाद आप साइन इन कीजिए। और जैसे ही साइन इन करेंगे तो फिर से आपको ओटीपी आएगा आपके मेल में, मतलब फिर से आपको ओटीपी आएगा ओपन करने के लिए आपके मेल में। कहाँ पर, ये मेल में आएगा। जैसे ही ओटीपी आपके मेल में आता है तो यहाँ से ओटीपी को आप कैप्चर कर लीजिए। अगर ओटीपी यहाँ पे नहीं आता तो वो आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि वो स्पैम फोल्डर पे आएगा, तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा। तो दोनों में से कहीं आपका ये आएगा। देन उसके बाद ओटीपी कॉपी करने के बाद आपने जैसे ही इस पे क्लिक कर इंसर्ट किया, उसके बाद ओके किया, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपका साइन इन का ऑप्शन होगा। बट एक और ऑप्शन आएगा, फिर से ओटीपी आएगा कि आईपी लॉगिन के लिए। कई बार नहीं आता है क्योंकि अगर आप सेम आईपी से चला रहे हैं तो इशू नहीं आएगा। अगर अलग आईपी चेंज हुआ, मतलब कहीं और किसी के वाईफाई या किसी इंटरनेट से कनेक्ट हो गए, तो सेम आईपी को मैच करने के लिए या सेम कैंडिडेट को मैच करने के लिए वो वहाँ पे आपको ओटीपी भेजेगा उसी मेल में या स्पैम में। तो फिर से आपको ओटीपी डालना होगा, एक बार फिर से यही प्रोसेस करनी पड़ेगी मेल में जाकर ओटीपी को डालने की। यहाँ पर फिर ऑटोमेटिकली आपका ये जो अकाउंट है फाइनली सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये आपका अकाउंट पूरा ओपन हो जाता है, उसके बाद आप देखेंगे कि अभी आपका अकाउंट कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा और प्रोसेस बाकी है जिसको आपको पूरा करना है। अगर आपने उस प्रोसेस को पूरा कर लिया, कर लेंगे, तो आपका अकाउंट फुल वेरीफाइड हो जाएगा और आप अर्निंग के लिए तैयार हो जाएंगे। अब उसके लिए क्या करना है, ये बातों को जरा गौर से सुनिएगा। यहाँ पे आपको जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो यहाँ पे आपको एक हल्की ग्रीन ब्लू टाइप की यहाँ पे एक बॉक्स मिलेगा जिसमें आपको लिखा रहेगा कंप्लीट KYC या कंप्लीट वेरिफिकेशन। तो आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वेरिफिकेशन, कंप्लीट वेरिफिकेशन में, तो आपको वहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको वहाँ पे एक पेज खुलेगा जिसमें आपको अपना आधार कार्ड का नाम डालना होगा, जो आधार कार्ड में नाम है। फिर उसके बाद आपको अपना सॉरी आपको सबसे पहले पैन कार्ड का नाम डालना होगा, जो पैन कार्ड में आपका नाम है। नाम डालने में बिल्कुल गड़बड़ी ना करें। अगर नाम है अरविंद, अरविंद सिंह परिहार, तो अरविंद सिंह परिहार पूरा डालें। मिडिल नेम बिल्कुल भी ना छोड़ें, जो जैसा है आपके कार्ड में वैसा लिखें, अदरवाइज वेरिफिकेशन होने में इश्यू होता है। देन उसके बाद आपने पूरा वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड में नाम डाल दिया, देन उसके बाद आप आधार कार्ड सॉरी पैन कार्ड का नंबर डाल दिया, देन उसके बाद आप नीचे आएंगे तो उसी की फ़ोटो आपको खींचना है पैन कार्ड की, और उसके बाद अपलोड कर देना है। वो भी फ्रंट पैन कार्ड का फोटो खींचना है अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से और उसको अपलोड कर देना है। जैसे ही अपलोड हो जाएगा उसके बाद सेम प्रोसेस आधार कार्ड की आएगी। आधार कार्ड में अपना नाम डालना है आपको, आधार कार्ड नंबर डालना है, फिर आधार कार्ड की
एक बॉक्स आएगा जिसमें आपको फ्रंट का फोटो खींच के अपलोड करना है, फिर दूसरा बॉक्स में बैक का फोटो खींच के अपलोड करना है आधार कार्ड का, फिर फाइनली सबमिट कर देना है। ये दो प्रोसेस ये फॉर्मेलिटी वाली हो गई। अब एक प्रोसेस बचेगी कि आपको अपने आपको क्या करना है, एक ब्लैंक पेपर लेना है। ब्लैंक पेपर में बड़े अक्षरों में बिट बीएनएस लिखना है, उसी के नीचे आज की डेट डालना है जिस डेट को आप साइन अप कर रहे हैं। जैसे कि आज की डेट हो गई है, आज 27 फरवरी हो गई है, बट जिस दिन आप मेरी वीडियो को देखेंगे मे बी मार्च हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, तो आप उस टाइम उसी दिन का डेट आप उस पे नीचे मेंशन कीजिए, किसके नीचे, बिट बीएनएस के नीचे, और बगल में आधार कार्ड को रखिए और अपने फेस के बगल में उस पेपर को पकड़कर, आधार कार्ड को पकड़कर 10 सेकंड की वीडियो बनाइए। उसी में जैसे ही उसी में ऑप्शन होगा कि वीडियो बनाने का 10 सेकंड का, और उसको आप पकड़े रहिएगा, उसको आप अपने मतलब राइट हैंड से अपने फॉर्मेलिटीज को अपने फेस के सामने रखकर, और उसी फ्रंट कैमरे से आप वहाँ पे अपने उसी एप्लीकेशन में, बिट बीएनएस की एप्लीकेशन में, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ऑप्शन ऑलरेडी शो करेगा आपको कि ये आपको क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली आपका फेस डिटेक्ट होगा। देन उसके बाद जैसे ही आप पूरा 10 सेकंड का वीडियो कैप्चर कर लेंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तो 5 से 6 घंटे बाद या फिर 24 घंटे के अंदर, क्योंकि बट मोस्टली 5 से 6 घंटे के अंदर हो जाता है, बट कभी टाइम लग जाता है, तो 24 घंटे का, 24 घंटे के बाद आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली कंपनी के थ्रू वेरीफाई हो जाएगा। ये प्रोसेस में कहीं भी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि एक सिंपल पेज में आपको बड़े अक्षरों में BITBNS लिखना है, BITBNS, देन उसके बाद उसी के नीचे आपको लिखना है आज का डेट। डेट लिखने का तरीका कैसा रहेगा, मान लीजिए आज 27 है, तो 27/फरवरी चल रहा है तो 02, फिर स्लैश और ईयर चल रहा है 2022, सो 2022 पूरा लिखना है। कैसे लिखना है, 27/02/ देन उसके बाद 2022। एक बार मैं आपको रफली अगर कहें तो बता दे रहा हूँ, ताकि आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई इश्यू ना हो। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं ये देखिए कैसे लिखना है, जैसे कि 27 स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, बिट बी एन एस कैपिटल लेटर में होना चाहिए, बिट बी एन एस, फिर उसी के नीचे मान लीजिए ब्लैंक पेपर है, बिट बी एन एस, फिर उसी के नीचे 27, यहाँ पे /02, ये /2022, और जस्ट इसके इस साइड आपको अपने यहाँ पे आधार कार्ड रखना है उसी पेपर के बगल में, ताकि आप वेरीफाई हो सकें कि आप यही कैंडिडेट हैं। और उसके बाद अपने हाथ पे रख कर, जैसे कि फॉर द एग्जांपल अगर मैं कहूँ, तो ये समझिए कि अपने राइट हैंड साइड अपने इस दोनों पेपर को पकड़कर उसमें आधार कार्ड भी किनारे पे रखा हो, और उसके बाद उसके ऑटोमेटिकली उसमें ऑप्शन आएगा, जब आप आधार कार्ड वाला फिल कर लेंगे ऑप्शन, उसके बाद एक ऑप्शन आएगा कि आपको अपनी सेल्फी लेना है, सेल्फी में 10 सेकंड का वीडियो रहेगा, जैसे ही क्लिक करेंगे तो काउंटिंग चालू हो जाएगी, आपको अपना 10 सेकंड का वीडियो बनाना है ये पेपर और आधार कार्ड को फेस के बगल में रख कर, और उसके बाद फाइनली सबमिट कर देना है। 5 से 6 घंटे बाद आपका फाइनली हर चीज़ यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ही आपका अकाउंट ओपन होगा, तो उसके बाद क्या करना है वो प्रोसेस आप गौर से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर ये आज ये जो वीडियो बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आप फाइनली स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिए, तो रियलिटी यही है कि आपको एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म मिलेगा अर्निंग के लिए, वो भी डेली और बहुत ही अच्छे तरीके से। आप वहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग से अभी तक का प्रोसेस बताया, इसको आप प्रॉपरली कीजिए, कहीं भी कोई डाउट आता है तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स पे अपना नंबर लिख दीजिए, तो मैं आपको कॉल करके आपसे बात भी कर लूँगा, आपको फुल सपोर्ट भी कर सकूँगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पे जरूर ध्यान से देखिए, इतना होने के बाद आपका जैसे ही अकाउंट वेरीफाइड होता है, तो आपका अकाउंट के लिए लास्ट में आपने सबमिट कर दिया, और सबसे एक लास्ट में अब आएगा वो रहेगा आपका अकाउंट का डिटेल। फाइनली अपन लोग ने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था ये कर दिया, अब लास्ट में अकाउंट डिटेल आएगा। अकाउंट डिटेल डालना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप विड्रॉल करेंगे तो पैसा किस पे आएगा, तो ये चीज़ ध्यान देने के लिए दो चीज़ का याद रखिएगा। पहला चीज़,
कि अगर आपका जो अकाउंट है, फॉर द एग्जांपल आपका अकाउंट है, तो आपका अकाउंट में यूपीआई लिंक होना चाहिए। मतलब आप वो जो अकाउंट है जिस जो आपका जो भी अकाउंट है जिसमें आपका मोबाइल नंबर अटैच है, वही मोबाइल नंबर का यूपीआई होना चाहिए, तभी वो फैच करेगा। अदरवाइज वो फैच नहीं करेगा तो आगे इश्यू आएगा। इसी में सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है। मैं फिर रिपीट करता हूँ अपनी बात को, गौर से ध्यान दीजिएगा। जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है उसमें जो नंबर आपका लिंक है यूपीआई से, वही नंबर को आप यूज़ कीजिएगा इस BitBNS में। मैं फिर से एक बार और क्लियर करता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाए कि आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है, जब आप बैंक का खाता खुलवाए होंगे तो उस टाइम आप एक मोबाइल नंबर दिए होंगे जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक है, जिसमें आपको मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हुए, आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकले। तो वही नंबर आपका, और कभी कई बार मोस्टली सभी लोग जब फ़ोन पे गूगल पे चलाते हैं तो फ़ोन पे जो नंबर होता है आपका, उसी से आप फ़ोन पे गूगल पे अमेज़ॉन पे बनाते हैं, उसी यूपीआई से। तो जब आप कोई भी आपको पैसा ट्रांसफ़र करता है तो आपके मोबाइल नंबर पे ट्रांसफ़र करता है, आपके पास पैसे जाते हैं। वो और कहाँ पे आते हैं, आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो जो लिंक है अकाउंट आपके फ़ोन नंबर से, उसी नंबर को यूज़ कीजिएगा। तो जैसे ही यहाँ पर आप विड्रॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका विड्रॉल आपके अकाउंट में चला जाएगा। आप डिपॉजिट करेंगे तो आपका डिपॉजिट इसके वॉलेट पे डिपॉजिट हो जाएगा, BitBNS के वॉलेट पे अपलोड हो जाएगा पैसा। अब बात आती है एक इशू की कि अगर पैसा, कई बार क्या होता है, आपका नाम लिखा है अरविंद सिंह परिहार, और आपने आपके पासबुक में कई बार ऐसा होता है कि लिखा है अरविंद कुमार परिहार, तो नाम मिसमैच हो गया तो आपका डिपॉजिट नहीं होगा, वहाँ पे अपलोड नहीं होगा पैसा। अगर ऐसा कोई इश्यू है तो फिर आप पहले सुधरवा लें अपना नाम बैंक अकाउंट से, क्योंकि जब आपका फ़ोन पे अकाउंट रहेगा या फिर गूगल पे अमेज़ॉन पे, तो उसमें लिखा रहता है नाम आपका। तो जिस अकाउंट से BitBNS के अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है पैसा, उसका नाम सेम होना चाहिए। अगर दोनों का नाम सेम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो मैच हो जाएगा, नेम और उनकी आईडी, और उसके बाद पैसे आपके BitBNS के वॉलेट पे अपलोड हो जाएंगे। यहीं पे सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं कैंडिडेट्स और पर्संस, इसीलिए वो इशू फेस करते हैं। इस चीज़ का आप बिल्कुल ख्याल रखिएगा। अब देन उसके बाद आगे क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। ये आपने समझ में आ गया आपको कि ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे ये फाइनली आप फुलफिल कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में आपको पूछेगा कि अकाउंट नंबर डालिए, तो आपको अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, नॉमिनी का नेम डालना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड डालना पड़ेगा। पासबुक में आईएफएससी कोड लिखा रहता है, आप उसको डाल दीजिए। उससे ये पता चलता है कि कौन से बैंक कहाँ पे लोकेट है, किस में खाता है आपका, जिसमें विड्रॉल कराना है। अगर बाय द वे अगर आपके पास आईएफएससी कोड नहीं है तो बैंक वाले के पास चले जाइए, अपने बैंक वाले से पूछकर आईएफएससी कोड ले लीजिए और उसके बाद इंसर्ट कर दीजिए। देन उसके बाद फाइनली अपना नाम डाल दीजिए लास्ट में, और उसके बाद फाइनली आपको यहाँ पे सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव कर देते हैं, 5 से 6 घंटे बाद ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा, रेडी हो जाएगा कि अब आप इस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप इस पे अर्निंग कर सकते हैं और इस पे आप सिस्टमेटिक वे पे काम कर सकते हैं। अब करना क्या है इस पे, वो भी मैं आपको अब इसमें बता रहा हूँ। अभी तक जो मैंने पूरा प्रोसेस बताया उसका मतलब ये हुआ कि आपका जो अकाउंट है फुली वेरीफाइड हो चुका है, अब आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने मेरे कहे हुए ये पूरे जो मेरे वीडियो में कवर किया है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो किया है, तो आपका पूरा अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा, कहीं भी किसी तरह की कोई इशू नहीं आएगी। अब चलते हैं अपन आगे। आप ये देखिए ऐसा खुलेगा, तो ये है होम पेज। होम पेज का मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ें वो सामने दिख रही हैं, जैसे मार्केट, क्विक सेव, डिपॉजिट विड्रॉल, प्रिडिक्ट, फिक्स्ड डिपॉजिट सपोर्ट, मोर। ये आपका शॉर्टकट है, बट अभी आपको यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। ये डेली का अनाउंसमेंट है, यहाँ पे अभी कोई लेना देना नहीं है। ये टॉप कॉइन्स हैं, जो करंट के सबसे हाई जो कॉइन्स होते हैं, ये टॉप गेनर है। जो आज सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी किया वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो करेगा। ये टॉप लूजर्स हैं, जो आज सबसे ज़्यादा गिरे हैं वो।
बस इतना ही यहाँ पे इसके फ्रंट पेज पे है, और यहाँ पे कुछ खास नहीं है। यहाँ पे आपकी प्रोफाइल रहेगी, यहाँ पे आप प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद आपका यहाँ पे देखेंगे तो ट्रेड का ऑप्शन होगा। हमेशा आपको यहाँ पे ट्रेड के ऑप्शन पे आना है। ट्रेड के ऑप्शन पे आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे डैशबोर्ड दिखेगा, जो कि बहुत सुंदर है और बहुत सरल है। यहाँ पे बाय का ऑप्शन मतलब खरीदना, सेल का ऑप्शन मतलब बेचना। वो मैं भी आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपको करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे साइड में, तो यहाँ पे पूरे जितने भी मार्केट्स हैं वो सारे शो करेंगे। आप किसी में भी निवेश कर सकते हैं, और निवेश करने का जो तरीका है वो मैं बताऊंगा कि आपको अर्निंग कैसे होगी यहाँ पे, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। तो पूरा प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। स्किप करेंगे तो आपको बहुत सारा इश्यू आ सकता है और आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब फॉर द एग्जाम्पल, ये मान लीजिए पहले वाला मैंने चूज़ किया, बिटकॉइन चूज़ किया फॉर द एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि वो अमाउंट बड़ा है, लोग उस पर ज़्यादा नहीं लगाते हैं, छोटे अमाउंट पे लगाते हैं। वो बताऊँगा कैसे। ये बिटकॉइन है, यहाँ पर इसका करंट का रेट आप देखिए, ये सही बाय के ऊपर हाई लिखा है, जो यहाँ पे 31,62,233 है, मतलब करंट का आज का रेट ये है। और यहाँ पे लो कितना गया है, 30,05,000, मतलब एक दिन में सबसे हाई गया है 31,62,000 और सबसे लो गया है 30,05,000। तो अगर आप 30,05,000 में खरीदे होते और 31,62,000 में बेच दिए होते, तो यहाँ से आपको 50 से 60 हज़ार रुपये का प्रॉफिट होता। आप मेरी बात को समझ गए? सिंपल सा, आज अभी करंट का प्राइस है 30,58,000। अगर 30,58,000 में मैं 30,58,000 का खरीद लेता हूँ, या उतना पैसा नहीं है तो कम खरीद लेता हूँ, तो पॉइंट में मिल जाएगा अपने को। और जब ये मार्केट इंक्रीज होगा, मतलब बढ़ेगा, उस टाइम मैं सेल करूँगा तो मेरे को ज़्यादा प्राइस मिलेगा। बस सिंपल सा प्रोसेस है और कुछ नहीं है। देन उसके बाद आप ऐसे ही आप किसी और पे चले जाइए, जैसे कि सीबा इनू हो गया, सीबा या और जो सबसे बेस्ट मार्केट है मैं बता रहा हूँ अभी कौन सा है, ये आप यहाँ पे चले जाइए। यहाँ पे आपको ये ईओएस रैम मिलेगा, ये बहुत ही प्रॉफिटेबल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे ईओएस रैम है, ईओएस रैम में आपने करंट में परचेस कर लिया, और करंट में परचेस कर लिए, जैसे ही आप परचेस करेंगे उसके बाद आपको इसको होल्ड करके रख लेना है। जब ये इंक्रीज हो जाएगा तो आपको इसको सेल कर देना है सिंपली। देन उसके बाद ऐसे ही अपने पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सीबा इनू हो गया, और जैसे कि ये देखिए यहाँ पे आपने 0.051 में खरीदा, और जब ये 6 हो गया तो आपने सेल कर दिया। तो ये बहुत ही आसान तरीका है यहाँ पे अर्निंग करने का, और बहुत ही बेस्ट तरीका है, और जेन्युइन यहाँ पे है, किसी भी तरह का फॉल्ट नहीं है। अभी और रुकिएगा, जो चीज़ मैं आपको कवर करूँगा बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ऐसे ही आपने ये BNB और किसी में भी आप लगा सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे हैं। अब तो मार्केट पे काफ़ी सारी चीज़ अवेलेबल हैं, कोई इशू नहीं है, बट आप इस पे ज़रूर ध्यान दीजिए। अब उसके बाद बात आती है यहाँ पे मेन बात, कि आपको डिपॉजिट और विड्रॉल करना कैसे है और ये कैसे खरीदेंगे। तो फॉर द एग्जाम्पल, जैसे कि याद दीजिएगा, जैसे मैंने ईओएस रैम की बात किया, अब इसको खरीदना कैसे है, उसके लिए आपके वॉलेट में पैसा होना चाहिए। और वॉलेट में पैसे कैसे आएंगे, तो देखिए ये हो गया अपना वॉलेट, ये नीचे देखिए होम के बाद ट्रेड, ट्रेड के बाद मार्जिन, मार्जिन के बाद माई ऑर्डर, माई ऑर्डर के बाद वॉलेट। वॉलेट में आपको क्लिक करना है, और वॉलेट में क्लिक करने के बाद आपको एड मनी में क्लिक करना है। एड मनी में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा कि डायरेक्ट UPI बैंक, पैक्सफुल, यूनियन। तो अपन UPI बैंक चूज करेंगे, और उसके बाद जैसे ही अपन UPI बैंक चूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा कुछ इस तरह से, जिसमें पहली बार आपको अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए आपको IMPS या निफ्ट से डिपॉजिट करना पड़ेगा, भले चाहे आप एटलीस्ट 100 रुपये का करें, इसमें कोई इशू नहीं है। एटलीस्ट 100 रुपये कीजिए, क्यों? क्योंकि आपका अकाउंट तभी वेरीफाइड होगा जब आप IMPS के माध्यम से उसको यूज़ करके इसमें आप डिपॉजिट करते हैं। किस में डिपॉजिट करते हैं? इस BitBNS के अकाउंट में, तभी आपका अकाउंट वेरीफाइड होगा डिपॉजिट के लिए थ्रू UPI, अदरवाइज आपका UPI काम नहीं करेगा स्टार्टिंग में। अगर आप अपना UPI चालू करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बार आपको IMPS या निफ्ट से एक बार, या RTGS से, किसी से भी तीनों में से, बट मोस्टली मैं आप सजेस्ट करूंगा IMPS और निफ्ट दोनों में से किसी में से 100 रुपये आप इसके अकाउंट में डिपॉजिट करें। अब अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए क्या करें,
अब इशू इस चीज़ का आता है, तो डिपॉजिट के लिए अगर आप NFT या IMPS में जाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे चूज़ कर लेंगे अपना बैंक अकाउंट, और उसके बाद जैसे ही आप बैंक अकाउंट चूज़ करेंगे तो आपको ये देखिए पूरा यहाँ पे अकाउंट लिख कर आ गया। ये जो अकाउंट लिख कर आया है, इसी अकाउंट में आपको अपने इंटरनेट बैंकिंग से, आपके पास इंटरनेट बैंकिंग अवेलेबल होगा या स्टार्टिंग में इंटरनेट बैंकिंग आपके पास नहीं है तो आप बैंक के थ्रू आप डायरेक्टली जाकर 100 रुपये का करा सकते हैं। बट जब आप कराने जाएंगे तो आप वहाँ पे एक पूछा जाएगा कि आप किस पर्पस के लिए करा रहे हैं, तो वहाँ पे आप ये मत लिखिएगा कि हम इसको BNS के अकाउंट में ट्रांसफ़र करा रहे हैं। आप वहाँ पे ये लिख सकते हैं कि हम कुछ सेल कर रहे हैं, हम बाय कर रहे हैं प्रोडक्ट को, ताकि आपसे बैंक वाला ज़्यादा क्वेश्चन ना करे। नॉर्मली आप उस वहाँ पे लिख दीजिए कि ये जो पर्पस है इसका, हमने एक प्रोडक्ट बाय किया है, परचेस किया है, उसको हम सेल करने के उसका अमाउंट को पे कर रहे हैं। सिंपल सा सेलिंग प्रोडक्ट, सिंपल सा आपको लिखना है, और उसके बाद पहली बार आपको इसको डिपॉजिट कराना है, भले 100 रुपये कराना है। जैसे ही आप 100 रुपये डिपॉजिट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका UPI, ये जो UPI सिस्टम है, ऑटोमेटिकली ओपन स्टार्ट हो जाएगा। बट अब ये क्या हुआ है कि कभी कभी इस तरह की प्रोसेस होती है, बट अब जब जो न्यूली अपडेट हुआ है उसमें ऐसा किसी भी तरह का कोई इश्यू नहीं है कि आपको IMPS करना पड़ेगा। अब डायरेक्ट UPI भी चालू हो गया है, अब किसी भी तरह का इश्यू नहीं होता। बट फिर भी अगर ऐसा होता है तो उस टाइम के लिए मैंने प्रोसेस बता दिया है कि IMPS निफ्ट से आपको 100 रुपये डिपॉजिट करना पड़ेगा, तब जाके आपका अकाउंट वेरीफाइड होगा। अदरवाइज आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं होगा, फिर आप UPI से डिपॉजिट नहीं कर सकते। एक बार स्टार्टिंग में आपको करना होगा। अब फाइनली अगर मान लीजिए आपने कर लिया है, या आपको ऑप्शन नहीं आया है, आपको डायरेक्टली UPI दे रहा है, तो आपको डायरेक्टली ये बैंक अकाउंट आपका चूज करना है अपना, आई एग्री करना है। उसके बाद आपको ये ऑटोमेटिकली ये UPI ID आ गई, इस UPI ID को आपको कॉपी करना है साइट से, ये आप देख पा रहे हैं। जैसे ही आप इसको कॉपी करते हैं इस UPI ID को, फिर उसके बाद आप अपने फ़ोन पे जाना है और ऐड अकाउंट में जाना है आपको। फॉर द एग्जाम्पल के लिए मैं शो कर रहा हूँ, आपको फ़ोन पे जाना है। फ़ोन पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे जैसे ही पहुँचते हैं आप, तो यहाँ पे टू बैंक ID लिखा है, यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, ये पेस्ट करना है, ये ऑटोमेटिकली आ गया, इसमें क्लिक करना है। और उसके बाद आपको कितना अमाउंट यहाँ पे सेंड करना है आप सेंड कर सकते हैं, मगर याद रखिएगा आपका वही फ़ोन पे नंबर होना चाहिए जो आपने लिंक किया है BitBNS के साथ। दूसरा फ़ोन पे नंबर यूज़ करेंगे तो इश्यू आएगा, तो ये चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। उसी फ़ोन पे नंबर से भेजिएगा जिसमें आपका अकाउंट है, तो ऑटोमेटिकली ये आपका यहाँ पे शो करने लगेगा। जस्ट 2 से 5 मिनट बाद आपका ऑटोमेटिकली बैलेंस शो करने लगेगा। तो मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके शो करता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद वॉलेट में जाएंगे, तो वॉलेट में ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे जो बैलेंस दिख रहा है 4.76, यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो करने लगेगा आपका जो आपने अमाउंट को डिपॉजिट किया है। जैसे ही आपका अमाउंट डिपॉजिट हो जाता है, उसके बाद आपको सिंपल सा कुछ नहीं, सिंपल सा प्रोसेस यही है कि बाय करना है फिर सेल कर देना है। अब बाय सेल करने का क्या प्रोसेस है वो बता रहा हूँ मैं। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपको प्रॉफिट मिल गया है, अब आप उसको बाय सेल करना चाहते हैं, तो सिंपल सा प्रोसेस ये है कि आपको जाना है अपने वॉलेट पे फिर से, और वॉलेट में जाने के बाद क्या करना है, जैसे कि आपको प्रॉफिट हो गया, आपने सेल कर दिया, ठीक है। जैसे ही आपने सेल कर दिया प्रॉफिट होने के बाद, तो वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, शो कर रहा हूँ कि कैसे आपको यहाँ पे फॉलो करना है। जैसे कि आपने वहाँ पे उसको बाय कर लिया, बाय करने का तरीका मैंने बता दिया, अभी नहीं बताया उसको भी, मैं कवर कर दूंगा। जो बाय करने का तरीका यहाँ पे वो मैं आपको बहुत सिंपल बताऊंगा। फॉर द एग्जाम्पल कोई भी अपन कोई टोकन ले लेते हैं, मतलब कॉइन ले लेते हैं, जिसको अपने को परचेस करना है, और अर्निंग कैसे करना है वो बता रहा हूँ मैं। फॉर द एग्जाम्पल ये आपके पास, मैंने ये ईओएस रैम को ले लिया, ठीक है। इसका प्राइस अभी कम है बट ठीक है कि अपन इसको परचेस कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे जो ये स्मॉल में दिख रहा है बाय और सेल, इसको आपको टच नहीं करना है। जो बड़े कैपिटल बॉक्स के अंदर दिख रहा है बाय सेल, इसको अपने को लेना है। तो स्टार्टिंग करेंगे बाय से, अब अपने पास वॉलेट में पैसे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे आप नीचे देखिए टोटल, टोटल में जाना है अपने को कितने रुपए खरीदना है, अपने को 100 रुपए खरीदना है। 100 रुपए में अपने को ये देखिए ऊपर 1918.27 इतने रैम्स मिलेंगे।
मगर इतने रैम्स पॉइंट में इशू करेंगे खरीदने में, तो हमेशा आप इसको साइड कर देंगे। हाँ अभी आप खरीद सकते हैं, अगर ऊपर पॉइंट लगा है तो आप परचेस नहीं कर सकते, वो इशू बोलेगा। मगर कौन से रेट से खरीद रहे हैं, 0.052 के रेट से। अब यही चीज़ मान लीजिए आपने खरीद के रख लिया, ओके बाय कर दिया, वो ऑटोमेटिकली खरीद जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपको मार्केट अच्छा मिला, अब आप 52 था, 52 था मार्केट का प्राइस रेट जब आप खरीदे, और करंट रेट 55 हो गया, तो बगल में आपको सेल है, आप यहीं से सेल कर सकते हैं, या फिर इसको बैक किया आपने बाद में डायरेक्टली यहीं से सेल का बटन दबाया, फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप साइड में क्लिक करेंगे, ये देखिए तो यहाँ पे शो करेगा कि आपको 100% बेचना है, 75% बेचना है, 50%, 25, या आप अपने हिसाब से मैन्युअली बेचना चाहते हैं तो आपके पास 1918 आपके पास कॉइन्स हैं, तो आपने उसमें से 20 बेचे तो 20 बेच सकते हैं, या आप पूरा का पूरा चाहिए तो पूरा 1918 पूरा बेच दिए। किस रेट के हिसाब से बेचना चाहते हैं, आपने 52 के रेट के हिसाब से बेचा था, 56 के सेल करना चाहते हैं, तो 100 लगाया था तो 107 रुपये आपको मिलेगा। उसके बाद सेल का दबा देंगे, जैसे ही ऑटोमेटिकली रेट 107.56 पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली 107 सेल हो जाएगा, तो ये आपको प्रॉफिट मिल जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही इतना प्रोसेस होने के बाद आप फाइनली जैसे कि आपने सेल कर दिया, अब ऑटोमेटिकली जब सेल होगा तो आपने जो आपके वॉलेट में जो 100 रुपये कट गए थे क्योंकि आपने बाय कर लिए थे, वहाँ से कट कर ये बाय हो गया था, अब उसमें जैसे ही सेल होगा तो अब आपके वॉलेट में 107 रुपये आ जाएंगे। तो जैसे ही 107 रुपये आ जाएंगे तो आप वॉलेट पे जाएंगे, वॉलेट में चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको जहाँ पे 4.76 लिखा है वहाँ पे 107 रुपये लिखा रहेगा। बट जब ट्रेडिंग चलेगी जिस टाइम, तो ट्रेडिंग आपको ये क्रिप्टो वॉलेट में जो नीचे स्टार 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 बना है यहाँ पे शो करेगी। अगर आपको देखना है तो शो दबाइए, और अगर आपका जो बैलेंस चेक करना है मतलब करंट का किस रेट पे क्या ट्रेड चल रहा है तो शो क्लिक कर देख सकते हैं। बट यहाँ पे जो इन रुपीज़ वॉलेट है यहाँ पे आपका एक्चुअल जो होल्ड पैसा रहेगा, जो आपका मेन पैसा रहेगा वो शो करेगा, ट्रेडिंग वाला अमाउंट यहाँ पे शो करेगा नीचे वाले में। अब विड्रॉल करना है तो विड्रॉल मनी में क्लिक करेंगे, विड्रॉल मनी में क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट बैंक अकाउंट, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में दो चीज़ आपको दिखेगी यहाँ पे, क्या क्या चीज़ रहेगा वो चीज़ ध्यान से देखिएगा। जैसे ही आप विड्रॉल मनी में जाते हैं तो यहाँ पे अगर आप इंस्टेंट यूज़ करते हैं मतलब तुरंत डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ पैसे लगेंगे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फीस लगेंगी। अगर नॉर्मल करना चाहते हैं जिसमें कोई फीस नहीं लगेगी मगर 3 से 4 दिन लगता है, कई बार 24 घंटे भी हो जाता है और कई बार एक हफ्ते भी लग सकते हैं, इसमें कोई क्लियर नहीं रहता है। अगर आप यहाँ पे अमाउंट डालेंगे कि मेरे को विड्रॉल करना है 1,000 रुपये या 10,000 रुपये, और यहाँ पे 2FA OTP मांगेगा, अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे आप कि 2FA OTP क्या है। 2FA OTP मैं बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ आपको प्रोसेस को फॉलो करना है तभी आप विड्रॉल कर सकते हैं, अदरवाइज आप विड्रॉल नहीं कर सकते अमाउंट को। तो आप ध्यान दीजिएगा 2FA मतलब क्या है, स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि एक्टिवेट 2FA, 2FA मतलब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मैं बता दूं, फिर से आपको प्ले स्टोर पर जाना है, आपको यहाँ पे क्या टाइप करना है वो आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको लिखना है, ये मैंने क्लिक किया और यहाँ मैंने लिखा गूगल ऑथेंटिकेटर, ये आप देख रहे हैं गूगल ऑथेंटिकेटर। इस गूगल ऑथेंटिकेटर को आपको इंस्टॉल कर लेना है, जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं इस गूगल ऑथेंटिकेटर को तो आपको ये शो करेगा, आपको क्या शो करेगा, ये आपको कोड शो करेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर आएगा, जैसे ही मैंने ओपन किया ये देखिए ये ऑटोमेटिकली चल रहा है, जैसे ही ये पूरा क्लोज हो जाएगा, ये जो बगल में साइकिल चल रहा है ये क्लोज हो जाएगा, तो फिर उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ये जो कोड है ये चेंज हो जाएगा। तो इसके ख़त्म होने से पहले ये जो टाइमिंग चल रही है साइड में, ये जो ग्राफ दिख रहा है ऑटोमेटिकली छोटा होता जा रहा है, इसको ख़त्म होने से पहले आपको उस पर इस कोड को डालना है, उसके बाद विड्रॉल में ऑप्शन दबाना है तभी विड्रॉल होगा, ये देखिए ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। इसको सेटअप करने के लिए आप यहाँ पे साइड में जाकर यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, ये नीचे आप देख रहे हैं बटन प्लस की बटन दबा कर आप सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद ये 2FA का, और उसको इंस्टॉल करके ही रखना है हमेशा अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में,
कि जब भी आप विड्रॉल करेंगे या जब भी आप अपने बिटबीएनएस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मांगेगा, तभी विड्रॉल होगा, अदरवाइज विड्रॉल नहीं होगा आपका पैसा। अगर आप विड्रॉल करना चाहते हैं पैसे को तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2FA में आपने अमाउंट डाला, यहाँ पे मान लीजिए आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज़ हैं और यहाँ पे आपने 2FA OTP डाली वहाँ से उठाकर, ठीक ना। उठाना कैसे, मिनिमाइज करना है, इसको देखना है, फिर उसके बाद इस पे टाइप कर देना है, फिर फाइनली लास्ट में आपको यहाँ पे ये नीचे आपको सबमिट का बटन दिखेगा, आपको ये देखिए विड्रॉल अमाउंट, तो यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। अगर आप इंस्टेंट और नॉर्मल में से इंस्टेंट लेते हैं तो इंस्टेंट में आपको पैसा लगेगा। इंस्टेंट के लिए क्या प्रोसेस है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 999 रुपये तक अगर विड्रॉल करते हैं तो 4 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे तुरंत अगर चाहिए, अगर 24,999 तक करते हैं तो 6 रुपये, और अगर 2 लाख रुपये तक करते हैं तो 9 रुपये, ये आपका प्रोसेस है, एक्स्ट्रा फीस लगेगा तभी जाकर आपका इंस्टेंट काम करेगा, अदरवाइज इंस्टेंट वाला काम नहीं करेगा। अगर फ्री वाला काम करना है तो नॉर्मल में चाहिए वो टाइम लेगा, इंस्टेंट में मीन्स आपके 5 से 10 मिनट में पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो ये प्रोसेस मैंने पूरा आपको बताया स्टेप बाय स्टेप, जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल है। अब आपके बाद ये सारी चीज़ मैंने क्लियर कर दी, मुझे लगता है कि मैंने आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ कवर कर दी है और काफ़ी सारी चीज़ आपको नॉलेज पे आ गई है। अब नॉलेज में आने के बाद अगर आपको थोड़ा सा और कुछ जानने की अगर इच्छा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखकर जरूर कमेंट कीजिएगा, क्यों किसी भी तरह का कोई इशू आता है तो आप वहाँ पे अपना फॉर द एग्जांपल नेम लिखिए और उसके बाद अपना इशू लिखिए कमेंट बॉक्स में और अपना मोबाइल नंबर, ताकि मैं आपसे बात करके आपकी हेल्प कर सकूँ कि आपको क्या इशू इस पे आ रहा है। बट जो भी प्रोसेस मैंने स्टार्टिंग से बताई है अगर आप उस तरह से फॉलो करेंगे तो आपको कहीं भी किसी भी तरह से कोई इशू नहीं आएगा। और एक चीज़ और, क्योंकि अगर आपने कहीं पर भी कहीं मिस्टेक या गलती की है तो वीडियो को एक बार अच्छे से क्लियरली और देख ले ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी इशू ना हो। तो मुझे लगता है कि आज आपको ये वीडियो आपकी करियर और लाइफ को पूरा चेंज कर देगी, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगी कि आप अर्निंग कर सकें और आप एक काफ़ी बेस्ट अर्नर बन सकें और आपकी डेली अर्निंग आपकी कहीं भी नहीं गई है। अगर आप लोग का अगर सपोर्ट अगर बहुत अच्छा मिलता है मेरे को तो आप मेरे लिए इतना ज़रूर कीजिएगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अपना कमेंट कीजिए, कोई जो आपकी क्वेरी है लाइक कीजिए और बताइए कि आपकी ये वीडियो आपके लिए कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो। तो अब मेरे को इजाज़त दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो और मेरे डिस्क्रिप्शन पे और टॉप में साइड में एक आपको डोनेट का ऑप्शन है, अगर आप डोनेट करना चाहते हैं कुछ अमाउंट तो आप डोनेशन पे जरूर जाइए और वहाँ पे क्लिक कीजिए। तब तक अब दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ शानदार जो कि आपके करियर को बहुत एक्टिवली हाई लेवल तक पहुँचा सकता है। तो दीजिए इजाज़त, सब्सक्राइब कीजिए, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, हैव अ गुड डे।